हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू यू लखनऊ लुकर्स। आज हम बात करने वाले हैं नीलम की मल्टी कढ़ाई के बारे में और इसके कंपैरिजन में आने वाली एक बढ़िया मल्टी कढ़ाई के बारे में। नीलम की मल्टी कढ़ाई जिसने पिछले 2 से 3 साल में काफी धूम मचा रखी थी, बट अब हम लेकर आ गए हैं। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आती है, नए मोबाइल, नई टेक्नोलॉजी पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, उसी तरीके से एक नई कढ़ाई आई है जो कि मुझे लगता है कि इस समय काफी ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट ये साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई नहीं ली है या लेना चाहते हैं एक बड़े साइज की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई जिसमें खाना जले ना और इडली, मोमोज, फरे, ढोकला, हर तरीके की रेसिपीज बन सके, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन होने वाला है अभी तक चलने वाली एक बढ़िया कढ़ाई के बीच में और एक नई आने वाली नई टेक्नोलॉजी वाली मल्टी कढ़ाई के बीच में। ये कंपैरिजन आपको पूरी तरीके से दिखा देगा कि आपके किस बजट में कौन सी कढ़ाई आ सकती है और क्या क्या खास चीजें हैं इन कढ़ाइयों में। तो अपने किचन को इंप्रूव करना है, हेल्दी यूटेंसिल्स अपने घर पे लाने हैं, तो एक ये मल्टीपर्पज यूटेंसिल आप अपने घर पे ले आएंगे तो आपके घर में लेस ऑयल कुकिंग तो होगी होगी, प्लस हेल्दी हाइजीनिक सरफेस में कुकिंग कर सकेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से इन दोनों का एक अच्छा सा कंपैरिजन दिखाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के स्टील होगी, और जब भी आप इसको परचेस करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लखनऊ लोकल्स में पूरी से डिटेल वीडियोस आपको मिलती हैं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का खरीदने का बाय लिंक मिलता है, जहां से आप भरपूर शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जाके इनको परचेज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम नई आने वाली कढ़ाई से। तो सबसे पहले जो नई आने वाली कढ़ाई है उसमें आपको कुछ इस तरीके का ढक्कन मिल जाता है। ये ढक्कन प्योर स्टेनलेस स्टील का है, स्टील की क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। मैक्सिमा की स्टील जो लोग यूज कर रहे हैं वो जानते होंगे कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम स्टील्स में ये डील करते हैं। यहाँ पे एक आपको अटैचमेंट मिल जाता है, ये काफी लोग का देखा हुआ है, मल्टीपर्पज अटैचमेंट है। और इसके साथ साथ आपको मिलता है कंप्लीट एक मल्टी कढ़ाई जो कि आपके सामने ये रही। ये मल्टी कढ़ाई आती है और इसी के साथ साथ ढक्कन में लगाने का नॉब भी मिल जाता है। तो इस मल्टी कढ़ाई को जरा सा यहाँ से रैप कर देते हैं और इसके ऊपर ही रख देंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मल्टी कढ़ाई में आखिर क्या क्या खास चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने 2 अटैचमेंट देख ही लिए हैं। यहाँ पे आप ढोकला बनाने के लिए आपको 2 अटैचमेंट मिल जाते हैं, एक बार में 2 ढोकले बनेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इडली का भी सांचा मिलता है। तो अगर आपने प्लान कर रखा है कि घर में बिना घी तेल के खाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी लो ऑयल कंजप्शन में। तो यहाँ पे ये सारे अटैचमेंट इसके साथ आते हैं जो कि आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ। तो ये लगभग सारे अटैचमेंट है और ये रही इसकी मल्टी कढ़ाई जिसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ इस समय नीलम की मल्टी कढ़ाई से। और ये रहा इसका ढक्कन जो कि अभी मैं लगा देता हूँ, और ढक्कन का नॉब भी ये सामने दिया हुआ है। अब जरा सा नीलम की मल्टी कढ़ाई भी अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोनों का एक बेहतरीन कंपैरिजन। तो यहाँ पे ये रही नीलम की मल्टी कढ़ाई, इसको हम पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं और नीलम की मल्टी कढ़ाई के बॉक्स को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी आपको ढक्कन में वही सिमिलर फिनिशिंग का ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अटैचमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्टील के अटैचमेंट नीलम में भी मिलते हैं हमें, तो नीलम में भी आपको लगभग सिमिलर साइज़ का ही मिलेगा। अटैचमेंट को भी कंपेयर करूँगा इस वीडियो में, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये मल्टीपर्पज स्टीलिंग के लिए आपको दिया हुआ है जिसमें काफ़ी बड़े छेद दिए हैं, ये अटैचमेंट काफ़ी अच्छा है इसका। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ये छोटी इडली का अटैचमेंट मिलता है जो कि एक्स्ट्रा अटैचमेंट है नीलम में। और इसी के साथ साथ आपको मिलती है बड़ी इडली के अटैचमेंट जो कि यहाँ पे ये रहे आपके सामने। तो ये सारे अटैचमेंट्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अटैचमेंट थोड़े से आपको ज़्यादा मिलेंगे, थोड़े से क्या ज़्यादा मिलेंगे, एक अटैचमेंट इसमें ज़्यादा होता है जो कि ये रहा। ये अटैचमेंट इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो अटैचमेंट इसमें नहीं मिलता है। हालांकि बहुत लोगों की यूटिलिटी के लिए ये अटैचमेंट है भी नहीं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि छोटी इडली रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं, बाकी लोगों के लिए ये अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये मल्टीपर्पज स्टीमिंग का अटैचमेंट है, ये आपका छोटी इडली का अटैचमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने मैं पहले ही दिखा देता हूँ कि ये रही नीलम की मल्टी कढ़ाई। ये नीलम की मल्टी कढ़ाई है जिसके ऊपर आपको इस तरीके का ढक्कन देखने को मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। तो इनका क्या कंपैरिजन हो सकता है मैं पहले ही बता दूं,
अच्छा सबसे पहले अटैचमेंट का साइज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये मल्टीपर्पज स्टीमिंग के अटैचमेंट को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीपर्पज स्टीमिंग का अटैचमेंट लगभग सिमिलर साइज का ही है, पर ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से ही कंपेयर करके बता देता हूँ कि बिल्कुल सिमिलर साइज के अटैचमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप सामने देख रहे होंगे। तो ये अटैचमेंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही अटैचमेंट नीलम में ज्यादा मिलेगा। नीलम की लगभग अगर ऑनलाइन की कॉस्टिंग देखी जाए तो 2300 की रेंज में आता है। तो और अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो ये 3000 का आता है। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? अब वीडियो का असली जो कंटेंट है वो शुरू होने वाला है, इसलिए क्योंकि अब हम करेंगे कढ़ाई का कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग ही सेगमेंट की हैं। बट मैं आपको बता दूं, ढक्कन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक बात है कि ढक्कन में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमा का ढक्कन थोड़ा सा बड़े साइज का है, और ऑब्वियस ही बात है बड़े साइज का होने की वजह से भी ये पूरा बाहर से बंद हो जाता है। अब असली चीज कहाँ है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, वो है इसकी मल्टी कढ़ाई। यहाँ पे नीलम की जो मल्टी कढ़ाई आपको मिलती है वो नीचे से हैवी बॉटम की मिलती है, नीचे से अलग से बेस लगा हुआ होता है, और पूरी कढ़ाई सिंगल लेयर स्टील में होती है। तो यहाँ पे आपको रिविट्स देखने को भी मिल जाते हैं, और रिविट्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा कुकिंग में आपको हेल्प नहीं करते हैं। तो ये जनरली पूरी तरीके से फोकस्ड है आपका स्टीमिंग रेसिपीज के लिए, मगर जब हम बात करते हैं नए और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट की तो मैक्सिमा ने दे दी है ट्राई प्लाई स्टील की मल्टी कढ़ाई। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैक्सिमा की ये 3 लेयर की बनी हुई कढ़ाई आती है जिसमें रेगुलर बेसिस में आप खाना बना सकते हैं। सूखी सब्जी बनाइए, आप इसमें कोई भी चीज़ कुक करिए, राइस कुक करिए, खाना आपका जलेगा नहीं, और इसमें कहीं भी हैवी बॉटम नहीं लगा होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से कढ़ाई 3 लेयर में बनी हुई होती है। और नॉर्मल कढ़ाई से इसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत बेहतर मिली हैं, वो है इसमें यहाँ पे रिविट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये पूरी तरीके से कुकिंग सरफेस 304 ग्रेड हाई क्वालिटी स्टील का है, जिसमें खाना बना के आप आराम से हेल्दी रह सकते हैं। उसी के साथ साथ ये गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉट प्लेट कंपैटिबल है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए में आप सारे तरीके की कुकिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है हर तरीके की इडली, मोमोज, ढोकला, फरे सब बना सकते हैं, और रेगुलर बेसिस में आप इसमें अपने घर की सब्जी बना सकते हैं। 28 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, तो कहने का मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटी भी लगभग 4 लीटर के आसपास में है, 4 लीटर के आसपास की इसकी पूरी कैपेसिटी आपको मिलेगी। और नॉर्मल कढ़ाई जो ट्राईप्लाई की आती है उनसे बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं भी रिविट्स देखने को नहीं मिलती है, साइड में हैंडल्स मिलते हैं। अब चलिए इन दोनों को ही मैं दिखा देता हूँ, और इसकी जो कॉस्टिंग होगी अगर मैं इसका एवरेज में बताऊँ तो अगर सिंगल कढ़ाई आप ट्राईप्लाई स्टील की लेने जाएंगे तो आपको 3000 से लेके 2500 रुपीस की मिलेगी, और हर कढ़ाई में यहां पे आपको रिविट्स देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ उसमें सिर्फ आप रेगुलर बेसिस की कुकिंग कर सकते हैं, मल्टीपर्पज कुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया का ये पहला ऑप्शन है जिसको आप परचेज कर सकते हैं आज ही। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक मैंने दे दिया है, जहां से इस टाइप की कढ़ाई आप बहुत आराम से परचेज कर सकते हैं, और यहां पे कुछ इस तरीके से आप 2 अटैचमेंट लगा के इसको आराम से बंद करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कढ़ाई लगभग आपको, अगर आपका बजट 3000 से 3500 की रेंज में है तो आप ये कढ़ाई परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बजट 2000 से 2500 रुपए की रेंज में है तब आप ये नीलम की मल्टी कढ़ाई परचेज कर सकते हैं, जैसा कि हर कोई करता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस आपको अटैचमेंट में मिलेगा, नीलम में एक ये अटैचमेंट ज्यादा मिलेगा। अगर आपको लगता है ये छोटी इडली का अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है तब आप नीलम प्रेफर कर सकते हैं, मगर डिफरेंस यहाँ पे जो कढ़ाई का डिफरेंस है वो क्वालिटी का हर कोई जानता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों का ही बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोई डाउट, कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज़ में भी हेल्प कर सकूं। दोनों ही कंपनी की स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी की है, गारंटी वारंटी आपको मिलती है ऑल इंडिया, और प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी ऑल इंडिया होते हैं। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है जो मैक्सिमा का है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च, जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना सस्ते में आपको मिल जाएगा क्योंकि इसकी बहुत जल्दी रेट भी बढ़ने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।